So hey everyone, welcome back to my channel. So here is lecture number 8 of nutrition in animals, class 7th. So चलिए start करते हैं. आज हमको कहाँ से start करना था? Absorption in small intestine. आखिर चलो digestion पढ़ लिया हमने कि digestion किस तरीके से होता है small intestine में. But अब ये पढ़ेंगे हम कि आखिर absorption कैसे होता है small intestine में. तो digested food कैन नाउ पास इन टू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, जो बहुत छोटे छोटे पीसेज में टूट चुका है, अब एक बात बताइए, ये हमारी इंटेस्टाइन है, इसमें फूड के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं. अब अगर ये मान लीजिए ये इंटेस्टाइन की पूरी वॉल है, इतनी मोटी वॉल है इंटेस्टाइन की, तो अभी आराम से इसमें जाके अपना मूवमेंट कर सकता है, ब्लड वेसल्स में आराम से जा सकता है. वॉल के अंदर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, जो हमारा फूड मटेरियल है, वो उसमें मिक्स हो सकता है आराम से. तो ये यही कहना चाह रहा है कि जो डाइजेस्टेड फूड है कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था, वो और ज़्यादा छोटे छोटे पीसेज में टूट गया, स्मॉलर पार्टिकल्स में. अब वो जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, वो अब क्या करेंगे फूड को, अगर उस फूड, अगर हमको हमारी बॉडी को उस फूड का यूज़ करना है, तो वो क्या करेगी, वो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको ब्लड में ले जाएगी, ब्लड वेसल्स में जाके वो मिल जाएंगे. द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ. जो अंदर की वॉल होती है हमारी इंटेस्टाइन की, उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं. कैसे होते हैं? जैसे कि ये हमारी वॉल है, मैंने इसको मैग्नीफाई कर दिया, मान लीजिए आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं, तो इंटेस्टाइन की ये वॉल है, इसमें बहुत छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरीके की आउटग्रोथ्स होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? विलाय बोलते. कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विलाय कुड बी इन द इंटेस्टाइन. गैस का मतलब ये नहीं होता गैस पर बैठ जाना, गैस का मतलब होता है कि आप इस चीज़ को सोच सकते हैं या फिर इस चीज़ का थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे विलाय हैं इनका क्या काम हो सकता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में. ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस. हर एक विलस, इसमें ये लिख रहा है हमारा कि विलाय का सिंगुलर विलस होता है, तो यहाँ पर विलस का मतलब भी विलाय ही है, बट एक सिंगल की हम बात कर रहे हैं. तो ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट सरफेस. अब जो विलाय है वो ईंट पत्थरों की तो बनी नहीं होगी, विलाय भी किसकी बनी होगी? ब्लड वेसल्स की बनी होगी. द सर्फेस ऑफ विलाय एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल. अब जो सर्फेस होता है विलाय का, वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है किसको? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को. द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स. अब जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेन्स में. ब्लड के अंदर हमारा चला गया फूड, अब ब्लड मेनली क्या काम करता है हमारे? ऑक्सीजन को और फूड मटेरियल को सप्लाई करने का काम ही तो करता है डिफरेंट ऑर्गेन्स तक. तो ये क्या करेगा, जो हमारा फूड मटेरियल है उसको डिफरेंट ऑर्गेन्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. वेयर दे आर यूज टू बोल्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज, जहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है क्या चीज़ बनाने के लिए? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने के लिए. सिंपलर सब्सटेंसेज में फूड को केवल और केवल इसलिए तोड़ा जाता है जिससे कि वो ब्लड में आराम से मिक्स हो सके. तो फिर हमारा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है और ज़्यादा छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेज में, जैसे कि हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज में, जैसे कि हमारा हो गया प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, एट्सेट्रा. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. इसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं. डाइजेशन हो गया अब हमारा, एब्जॉर्प्शन किसने कर लिया? ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो गया फूड हमारा. अब एब्जॉर्ब होने के बाद जो ब्लड वेसल डिफरेंट ऑर्गेन्स तक पहुँचेगा, किस तरीके से पहुँचेगा? डिफरेंट ऑर्गेन्स तक पहुँचने के बाद वो जो सिंपलर फॉर्म है वो और ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जो सेल्स हैं उसमें हमारा जो ग्लूकोज है वो टूट जाता है किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में. एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड, और जिसके ज़रिए हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है फूड मटेरियल में से. द फूड दैट रिमेंस अनडाइजेस्टेड. अब कुछ फूड ऐसा भी होता होगा जो मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब है, जिसका कोई भी काम नहीं है, जिसको हम कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते, तो वो जो फूड है, ऐसा जो फूड है अनएब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड, ये कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाके चला जाता है. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं?
कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शंस हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में आखिर होता क्या है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वाइडर का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से? वो इसीलिए क्योंकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका डायमीटर इतना छोटा होता है, लेकिन जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका डायमीटर इतना बड़ा होता है। तो चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है लार्ज इंटेस्टाइन, बट वो स्मॉल इंटेस्टाइन से डायमीटर में बहुत बड़ी है, इसलिए हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर, वाइडर मतलब चौड़ी होती है, एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, और छोटी होती है किसके कंपैरिजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ये कितनी होती है, 1.5 मीटर इन लेंथ होती है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में उसका फंक्शन क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो इम्पॉर्टेंट वाटर और सब मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स के थ्रू। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इन टू द रेक्टम। अब जो बचा कुचा वेस्ट है जो बिल्कुल किसी काम का नहीं है वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है। एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फिशेज। और वहाँ पर किसकी तरह रह जाता है, सेमी सॉलिड फिशेज की तरह रह जाता है। फिशेज का मतलब होता है हमारा मतलब पॉटी, हम बोल सकते हैं अगर हम प्योर हिंदी में बोलें तो, जो हम सुबह निकालने जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फीसेस बोलते हैं। द फीकल मटेरियल इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस। अब जो फीकल मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए एक ओपनिंग भी होती है किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। द फीकल मैटर इज़ रिमूव थ्रू एनस थ्रू टाइम टू टाइम, दिस इज़ कॉल्ड इजेशन। और खाने का रिलीज़ होना मतलब कि हमारे फूड अनडाइजेस्टेड फूड का और अनएब्जॉर्ब्ड फूड का रिलीज़ होना ही क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। अब ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल वगैरह का फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपका यहाँ तक मतलब एक तरीके से हाफ से ज़्यादा चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं जिनको कि हम कवर कर लेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, एंड फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अगेन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।